राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते। लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है, हाथ खड़े करो। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं, कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को।